मोदी जी को बोलिए ना एक बार लाइन में आने के लिए, सब समझ में आएगा। बीजेपी कार्यालय दौड़ दिला रहे हैं, बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय पहुँच गए, क्या कीजिएगा, लेना पड़ेगा। हम तो अररिया से आए थे प्याज के लिए, पटना। हाँ पटना आए थे, लेकिन मिला नहीं, मिला भाग गया सब, दौड़ रहा था। नहीं हेलते हैं, वोट लेवे गुने कह रहे हैं कि नहीं। कल से केजी दे रहा है, 25 रुपए बता रहा है। अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन, अच्छे दिन आ गए, इसलिए लोगों को सड़क पर प्याज। जी जी अच्छे दिन आए हैं, यही अच्छे दिन है हमारे। प्रशासन नहीं रोकने दिया, बोला जे जाम हो जाएगा, हटाओ। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। प्याज की महंगाई देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्याज के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्याज के लिए लंबी लाइन सड़क पर लग गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है भैया, कितना लिए है प्याज? 2 केजी लिए भैया। कितने में दिए? 50 रुपए में दिए। मोदी जी तो कहते हैं कि महंगाई हलते नहीं है, तो आप लोग दौड़ क्यों रहे हैं प्याज के लिए? क्या करे, सस्ता है, यहाँ दे रहा है तो ले रहे दौड़ के। 2 केजी 50 रुपए में, 25 रुपए केजी दिया है। जी 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 हाँ, देखिए 25 रुपए केजी, लेकिन महंगाई अगर हम प्याज का बात करें तो 70 रुपए केजी है, इसलिए सब लोग दौड़ रहे हैं प्याज के लिए आए हैं। हाँ, मैं प्याज के लिए आए हैं। कैसे केजी दे रहा है? सुने की 50 रुपए में 2 केजी दे रहा है। के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ दौड़ते हैं, बीजेपी कार्यालय दौड़ दिला रहे हैं, बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय पहुँच गए, क्या कीजिएगा, लेना पड़ेगा। जी हाँ, बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय प्याज के लिए पहुँच गए। कहाँ से आए हैं अम्मा? अम्मा कहाँ से आए हैं? कहाँ से? चिटकोहरा से। अब बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय आ गए प्याज के लिए, क्या मिल रहा है? हाँ करे, इतना महंगा है ये। मोदी जी तो कहते हैं कि महंगाई हलते नहीं है, तो काहे के लिए दौड़ रहे हैं? नहीं हलते हैं, वोट लेवे गुने कह रहे हैं कि नहीं। महंगाई है, महंगाई है, तबे तो ऐसा लाइन में लग के लेना पड़ रहा है। महंगाई है तब तो, महंगाई है। बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय तक आप लोग को दौड़ाना पड़ रहा है प्याज के लिए? ना दौड़ाया नहीं गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया टेम्पो को, बाकी तो सामान है दे ही रहा। देखिए देखिए, हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय के पास आ गए तमाम लोग प्याज के लिए, और किस तरीके से प्याज के लिए धक्का मुक्की हो रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, दिलचस्प तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि प्याज के लिए किस तरीके से लोग परेशान है। बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय तक गाड़ी आगे बढ़ गया, पीछे पीछे लोग दौड़ रहे थे प्याज के लिए। आप भी दौड़े हैं? नहीं नहीं, हम तो पता चला था। कल से केजी दे रहा है? 25 रुपए बता रहा है। केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, वो तो कहता है कि महंगाई ये नहीं है। महंगाई तो देखिए क्या लग रहा है चाचा जी, महंगाई है। देखिए देखिए, फिर से भारी भीड़ के कारण गाड़ी फिर से भाग गई, और किस तरीके से जो लोग हैं प्याज के लिए दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से गाड़ी पर भी लोग जो हैं प्याज के लिए वो चढ़ गए, क्योंकि प्याज चाहिए भाई, प्याज इतनी महंगी है। वैसे में हम बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? चितकोड़ा से। प्याज मिला? नहीं मिला। नहीं, आप गाड़ी के पीछे फिर से दौड़ेंगे? नहीं नहीं, आप क्यों दौड़ेंगे? कैसे केजी दे रहा था? 25 रुपए। पर मोदी जी तो कहते हैं कि महंगाई नहीं है। मोदी जी को बोलिए ना एक बार लाइन में आने के लिए, सब समझ में आएगा। महंगाई है। हाँ जी, उनको बोलिए अपने जगह पे आके देखे एक बार। जनता क्या है? जनता अति है, परेशान है, महंगाई है ना, महंगाई, जनता पिसा रहा है, महंगाई कहाँ जाएगा? अब ऐसे लोग प्याज खरीदेगा तो क्या होगा? अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन, अच्छे दिन आ गए, इसलिए लोगों को सड़क पर प्याज। जी जी अच्छे दिन आए हैं, यही अच्छे दिन है हमारे। जी हाँ, देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से तंच कसते हुए मोदी जी पर नजर आ रहे हैं कि ये अच्छे दिन आ गए हैं यार। यही कारण है कि लोग प्याज के लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से, देखिए पुलिस भी आ गई थी, पुलिस को इसलिए आना पड़ा था क्योंकि प्याज के लिए जिस तरीके से भीड़ लगा था, वो भीड़ कहीं ना कहीं कितना खतरनाक था आप देख रहे थे, और किस तरीके से लोग प्याज के लिए यहाँ तक पहुँचे। हाँ, प्याज के लिए भीड़ लगा था? अरे हम नहीं लिए, प्याज के लिए नहीं लगा है। नहीं नहीं, तो प्याज के लिए लगा है। अच्छा, तो आप चलिए, आपकी गाड़ी में भीड़ लगा हुआ था प्याज का, हटाने के लिए आप लोग आए थे, भीड़ हटाने के लिए? हटा रहे थे। हाँ हाँ, हटा रहे थे। चलिए चलिए, देख सकते हैं पुलिस भी प्याज के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन कहना है कि हम भीड़ हटाने के लिए आए थे, क्योंकि गाड़ी जो है फुल स्पीड में निकल गया, पुलिस वालों को प्याज नहीं मिल पाया। जब मीडिया उनसे पूछती है कि आप भी
प्याज के लिए आए थे क्या? तो पुलिस का कहना था कि हम प्याज के लिए नहीं आए थे, हम भीड़ को देखकर भीड़ हटाने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरीके से प्याज के लिए मारा मारी यहाँ पे चल रहा था, हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, अभी भी देख सकते हैं कि प्याज के लिए कुछ लोग जो आए हुए थे वो अभी भी किस तरीके से खड़े हैं। हम इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। हम तो अररिया से आए थे प्याज के लिए, पटना। हाँ, पटना आए थे। लेकिन मिला नहीं? मिला, भाग गया सर, दौड़ रहा था। कहाँ भाग गया? भाग गया सर, हमें मालूम चला कि प्याज बिक रहा था, आ गए। बहुत महंगा है सर। हाँ, वो भीड़ के वजह से भगा दिया है। भीड़ के वजह से गाड़ी भगा? हाँ, महंगा है। कार्यालय से यहाँ तक दौड़ते हुए? हाँ सर, आ गए थे, मालूम चला कि भाई प्याज बिक रहा है 25 रुपए किलो, तो आ गए। 70 रुपए किलो बिक रहा था। 80 रुपए तो यहाँ पप्पू यादव प्याज बचवाए थे वही बाढ़ के समय में, और फिर वही स्थिति हो रहा है प्याज के कारण। अब फिर से लोगों को सड़क पर? हाँ, फिर भी लोगों का सड़क पर दौड़ रहा प्याज के चलते। अब प्याज बिना कोई को बंदा नहीं है। प्याज मिला चाचा? नहीं मिला। दौड़े लेकिन सड़क पर इतना तो नहीं मिला। क्या हुआ? भाग गया लेकर, थोड़ा सा भाग गया। हाँ, थोड़ा सा बांटा और ग्रवाई लेके भाग गया। हाँ। प्रशासन नहीं रोकने दिया। तो आप तो आधा किलोमीटर दौड़ गए प्याज के लिए? हाँ, तो प्रशासन नहीं रोकने दिया। हाँ। बोला जे जाम हो जाएगा, हटाओ। प्रशासन हटाया? हाँ, प्रशासन। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं तमाम लोगों को जो प्याज के लिए पहुंचे हुए थे, इन्हें प्याज तो नहीं मिल पाया, यानी कि जो महंगाई है उसकी मार अब देखने को मिल रही है सड़कों पर। किस तरीके से सस्ते प्याज के लिए लोग दौड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको प्याज चाहिए और प्याज इतनी महंगाई है कि लोगों का आंसू निकालने लगी है। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।